architecture so many years back. Yeah. It's unbelievable. Har Har Mahadev. Welcome to my channel, Dipankar PhD Wala. तो अभी बज रहा है घड़ी में 6, हम लोग है लिंगोराज टेम्पल में. ऑल्सो वेदर बहुत ही ख़राब है, इसमें ही हम लोग आए हैं लिंगोराज टेम्पल. सो मे भी लिंगोराज टेम्पल के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं इतना कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, जितना बाहर से हो सके इतना ही दिखा पाऊँगा. सो गाइस चलते हैं. बैग अंदर लेके जाने में मोबाइल सब अलाउ नहीं है, तो मोबाइल बैग सब कुछ देन उसके बाद आपको मंदिर के अंदर जाने का परमिशन है. सो इसमें हम लोग अभी मोबाइल एंड कैमरा सब बैग में रख के दे देंगे, वो लोग एक टोकन देंगे, उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे. हम लोग इधर अंदर तो कुछ वीडियो नहीं कर पाए, बट एक बात बोल सकते हो, जिसको दिल में सुकून चाहिए, जिसको रिलैक्स चाहिए, प्लीज़ आइए लिंगोराज टेम्पल में एंड भगवान महादेव का दर्शन कीजिए, फुल माइंड रिलैक्स हो जाएगा. सो इनका जो अंदर लिंगोराज टेम्पल के अंदर जो महादेव होता है बहुत ही छोटा है, वो है पड़ोस पात्र का, मतलब उसको जिसको भी छूते है वो सोना हो जाएगा. तो इधर का ये स्टोरी पांडा लोगों से मैं जान के थोड़ा बोल रहा हूँ. एक्चुअली वो जब इधर का राजा था तो देख रहा था जो ब्राह्मण लोग है, ब्राह्मण लोग का पूजा करने आने के बाद बहुत कुछ सोना हो जा रहा था. देन धीरे धीरे उनका राज्य में बहुत सारा सोना बढ़ने लगा. देन एक दिन राजा को ये खबर गया जो लिंगोराज टेम्पल के अंदर जो पड़ोस पात्र का लिंग है बा महादेव है, उसमें जो भी छोते वो सोना हो जाते हैं. देन महाराज एक काम किया, उसको पूरा पत्थर देके बंद कर दिया एंड उसके ऊपर एक शक्तिपीठ किया. शक्तिपीठ के ऊपर ही पूजा होता है, पत्थर पूरा बंद करके, उधर कोई भी अभी जा नहीं सकते, देन उसको ऊपर से ही पूजा होता है. सो गाइस ये था लिंगोराज टेम्पल. सो अभी वापस जाने का टाइम आ गया है, हम लोग वापस जाएंगे. सो चलते यार. हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल दीपंकर पीएचडी वाला. सो आज नेक्स्ट डे पे है हम भुवनेश्वर एक्सप्लोरेशन में. तो अभी आए हैं हम लोग खंडोगिरी उदयगिरी में. सो अभी इधर जाएंगे खंडोगिरी उदयगिरी, उसके बाद कहाँ टाइम मिलेगा देन नेक्स्ट चलते. ओके चलिए चलो. सो खंडोगिरी बनाया गया था फर्स्ट सेंचुरी में, ख्रिस्ट जन्म का पहले फर्स्ट सेंचुरी. सो राजा खारवेल ने बनाया था. इसमें आपको मिलेगा जैन मोडिशी का बहुत सारा केव. उसके साथ अगर आप अंदर जाएंगे उसके साथ एक हिंदू धर्म का अंसोल जैनो धर्म का एक जो मेल बंधन मिलेगा वो आई थिंक डिफरेंट थिंग. ये जो देख रहा है ये देखिए हम लोगों का ऑलमोस्ट
बहुत सारा देव देवी का इधर मतलब पत्थर खुदाई करके मूर्ति बनाए हैं। सो ऑलमोस्ट जैनो जैसे जैनो धर्म का मिलेगा, ऐसे सेम टू सेम हिंदू धर्म का भी मिलेगा। तो यार हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों धर्म एक साथ खंडगिरी में आपको देखने को मिलेगा। बट जो केव है मेनली वो था जैनो ऋषि सब रहते थे मेनली बला राजा खारवेल के टाइम में हुआ था। ये जो गुफा देख रहा है ये बेसिकली मेनली जैन धर्म जैन ऋषि रहते थे धर्म का जैन ऋषि। बट इसका थोड़ा आर्किटेक्चर देखिए इतना ब्यूटीफुल है क्या बोले। ये जो उस साइड दिख रहा है यही है खंडगिरी से व्यू उदयगिरी का। तो उस साइड जो दिख रहा है वो है उदयगिरी और हम लोग जो अभी है अभी हम लोग खंडगिरी में है। मे भी बंद है। सो बैड डक गाइस, बंद है मंदिर, दिखा नहीं पाए आज। सो एक चीज़ दिखा है, इसका जो फ्लैग है 4 डिफाइंड कलर। सो हम लोगों का जो नेशनल फ्लैग है वो 3 कलर। अभी कभी भी कहीं जैन मंदिर में जाएंगे फ्लैग देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 5 डिफाइंड कलर, बट इन आवर नेशनल फ्लैग इट्स 3 कलर। सो दैट्स अ डिफाइंड थिंग एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। वो भारी नहीं है, वो बैग बहुत हल्का है, उसमें मेरा दो ओनली कपड़ा है, दो ओनली। मर गया वो। ओ जो देखो छोटा बंदर है ना जो सो रहा है, पकड़ो उसको, वो जाएगा, उसकी माँ। सो हम भुवनेश्वर बुलाबुली में अभी पी रहे हैं अमूल कूल और आपके यूट्यूबर भैया अमूल कूल को बहुत चाव से पी रहे हैं। पता नहीं कहा है उनको अमूल कूल ही पीना था, उसको देख के उनको अपनी पुरानी वाली को याद आ गई शायद।